हेलो फ्रेंड्स, विजयास क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि किस तरीके से एक पुराने बेकार से गमले को बिल्कुल ही नया लुक दे देना, वो भी बिना पैसा खर्चा करे हुए। इस तरीके के पॉट्स में हम लोग को अक्सर नर्सरी से प्लांट्स मिलते हैं जो कि बाद में बेकार भी हो जाते हैं। तो हमें चाहिए ये सीडी और साथ में कोई भी सिंथेटिक ग्लू जिससे कि चिपक जाएगा, चिपका लेगा इन सीडियों को, और सीजर्स चाहिए यानी कि कैंची। इन सीडीज़ को हम लोग जो किनारे का पोर्शन है इसको पहले काट लेंगे, क्योंकि वो जो होता है कंपेरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट रहता है, जो बीच का जो सर्किल है वो ज़्यादा हार्ड रहता है। किसी भी शेप और साइज में काटेंगे, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा बड़ा आप मत काटिएगा। ये देखिए, हमने सब कलेक्ट कर लिए हैं काट करके, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चौड़ा नहीं लिया है। अब डिब्बे में ग्लू नहीं लगाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। हम लोग को जो है जो सीडी में इस ग्लू को लगाएंगे पीछे के साइड में, ये पीसेस जो हैं इसमें लगाएंगे। अगर इसको हम लोग ऐसे करेंगे चौड़ा चौड़ा सा, तो जो सीडी है ये बाहर निकली निकली सी लगेगी। तो इसको लंबाई में लगाइएगा, लंबाई में ये ठीक ज़्यादा रहता है। ये इस तरीके से सबसे पहले जो हैं जितने भी बड़े पीसेस हैं उन सबको आप चिपका लीजिए। फिर जो जगह बाद में बचेगी छोटे किनारे किनारे, उसमें हम लोग छोटे पीसेस को एडजस्ट करेंगे। बस सारे ऐसे ही चिपकाते चलना है। ये जो है कुछ ही सेकेंड्स में सूख जाते हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और ख़ास बात ये है कि ये आपका बाद में पानी पड़ने से इन सब से निकलेगा भी नहीं। ये देखिए, एक हिस्सा कवर हो गया है, सबसे बड़ी बड़ी हमने लगा दी थी सारी, और अब जो छोटी छोटी थोड़ी जगह कम बाकी है तो उसमें छोटे पीसेस को एडजस्ट कर रहे हैं। इसको जो है हम पूरी तरीके से नहीं भरेंगे, आप चाहो तो इसको पूरा भी भर सकते हो। और जो अगर आपके पास बहुत छोटे पीसेस कम पड़ रहे हैं, तो जो सीढ़ी बची हुई है उसमें से छोटे छोटे पीसेस किनारे से निकालते जाइए और उसको एडजस्ट करते चलिए। ये देखिए, इस तरीके से लगाना है, कुछ भी इस बहुत ही ईजली ये लगता जाता है। ये बिल्कुल ही सूख गया, बहुत जल्दी सूख गया। अब फ्रेंड्स, जो ऊपर की ब्लैक पट्टी दिख रही है इसमें हम ये फेविक्रिल वाला कलर करेंगे। ये फैब्रिक कलर है, ईजली अवेलेबल है किसी भी क्राफ्ट शॉप में, और इसमें अगर आपको ज़रूरत लगती है तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। और जो बीच में आपको खाली जगह दिख रही है सीडी के बीच में, आप चाहो तो उसमें भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको ऐसे ही बस रखेंगे। हमें ये ऐसा ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोज़ेक वाला लुक आता है इससे। चलिए इसमें प्लांट लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लांट लगा दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।